ये तस्वीरें आप वार्ड नंबर 14 की देख रहे हैं, जहां पर पार्षद उम्मीदवार दीपक शर्मा का लंबा काफिला आगे बढ़ रहा है। बैंड बाजों की थाप पर वार्डवासी नाच गा रहे हैं। उत्साह और जोश की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दीपक शर्मा वार्डवासियों को वोट की अपील भी कर रहे हैं। दीपक शर्मा को लड्डुओं से तोला जा रहा है, वार्डवासी उनके कार्यों से खुश हैं। तो आइए बातचीत करते हैं दीपक शर्मा से व वार्डवासियों से। सबसे पहले तो मैं कैथल खबर और एयर न्यूज के दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजक बाबा हवा सिंह जी को धन्यवाद करूँगा कि मुझे इतना सम्मान दिया, और मेरे सभी वार्डवासियों का भी धन्यवाद जो सदा मेरे साथ खड़े रहे और खड़े रहेंगे। मैं जो भी वार्डवासियों के आशीर्वाद से, पहले भी मुझे जो वार्डवासियों ने आशीर्वाद दिया था, मैं उनके आशीर्वाद पर खरा उतरा और मैंने विकास कार्य करवाए, और उन्हीं विकास कार्यों पर मैं आगे भी दोबारा मैदान में उतरा हूँ। मैं दोबारा से यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि वार्डवासियों की सेवा के लिए मुझे दोबारा से फिर आशीर्वाद दें। क्या कुछ आपने विकास कार्य करवाए थोड़ा जैसे? विकास कार्यों में जैसे भी किसी पर मेरे वार्ड में गलियों की, नालियों की, सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या थी, पानी की समस्या, सीवर की समस्या, सीवर सफाई को लेकर कोई भी यहाँ आता नहीं था। तो जैसे ही वार्डवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया, सबसे पहले मैंने सीवर की सफाई के लिए ऊपर ध्यान दिया। वार्ड में पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो मैंने दो बार मंजूर करवा के दोनों बोर लगवा दिए और वार्डवासियों के लिए पानी सुचारू रूप से चलवाया गया। जैसे आज आपको इतना मान सम्मान मिला है, इतने जो वार्डवासी आपके मान सम्मान में यहाँ पहुँचे, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप, किस तरह देखते हो इसको? मैं वार्डवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मुझे इतना सम्मान और प्यार दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा ही सम्मान और प्यार देते रहें, मैं आपकी सेवा करता रहूँ लगातार। तो किस तरह से आपकी जीत को देखते हो आप? जैसे इतना, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि वार्डवासियों के आशीर्वाद से मेरा मुकाबला अभी तक 70-30 का चल रहा है जी। तो क्या कुछ मेन ये रहेगा? देखिए, वार्ड में विकास की कोई कमी नहीं है, अगर फिर भी वार्डवासी कोई भी बड़ी मांग रखते हैं तो मैं उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि देवीगढ़ चौक से लेकर शमशान घाट के पास मेन नाला है, उसको अंडरग्राउंड करवा कर बंद पानी चलवाने का काम करेंगे। और कम्युनिटी सेंटर के लिए 40 लाख रुपए पास करवा रखे हैं, जल्दी उसके लिए जगह देख रहे हैं, उसको बनवाने का काम करेंगे। भाई दीपक शर्मा जिंदाबाद, भाई दीपक शर्मा जिंदाबाद। एक बार नाम बता दीजिए। मैं पवन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा ब्राह्मण सभा। ये हमारा भतीजा है और हमने इस पे गर्व है, और इसलिए हम वोट मांगने के लिए आज आए हैं, क्योंकि इसने इस वार्ड को अपना परिवार समझा, बिना जातिवादी के भेदभाव के विकास करवाया, 36 बिरादरी के घर गया और सबका जो काम बनता था काम करवाया। ऐसा लड़का सब वार्डों में हो तो पूरा शहर चमक जाएगा, इतनी मेहनत करता है लड़का, बहुत बढ़िया, इसीलिए हम आज आए इसके लिए। हाँ जी, नाम आपका? बाबा हवा सिंह। जैसे दीपक शर्मा को आपने लड्डू से तोला है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? ये अपना बच्चा है और इसके साथ हमेशा रहते हैं, ये जीतो ना जीतो, जब भी इसके साथ रहेंगे आप भी इसके साथ रहेंगे। अच्छा, इतनी भीड़ देखकर तो क्या कुछ कहोगे? तो ये तो जीते पड़े ही है, इसमें तो दिक्कत नहीं है कोई। वार्डवासियों से क्या अपील करना चाहोगे? वार्डवासियों से क्या अपील करना चाहोगे? वार्डवासी सारे इकट्ठे कर रखे हैं, कह रखे हैं वार्डवासियों, तो ये तो गिल्ला ही है सारे, और दोबारा क्या कमा इन्होंने? विकास को ऊपर वोट दो, सबको पता भाई काम तो कर रखे हैं, जो काम करेगा वो दोबारा भी बनेगा, जो काम नहीं करेगा दोबारा करता बनेगा। मेरा नाम रामेर है, रामेर प्रजापति। मैं एक आम रामनागरिक वार्ड का वासी हूँ। मैं ये पब्लिक का जो प्यार देख रहे हो आप, ये सिर्फ और सिर्फ जो इसने दीपक ने काम किया है उसका है। जो लोग आप भीड़ देख रहे हो, आपने परिणाम तो आप पत्रकारों देख रहे होंगे भीड़ का, बाकी बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया, आप हमारी जीत पक्की है। दीपक भाई अब की बार भी, पहले तो कम फैसले से जीतता था, अब हम उससे भी 10 गुना ज़्यादा फैसले से जीतेंगे, ये हमारी उम्मीद है भाई साहब। क्योंकि भाई ने 5 साल पिछले बहुत अच्छे अच्छे कार्य करवाए हैं वार्ड में, जो दीपक शर्मा जी ने अभी बोल दिए थे थोड़ी देर पहले। अभी बात दिए कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, उनके यहाँ भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पूरे कैथल से पूरे बाहर के भी लोग आते हैं यहाँ श्रद्धालु, सारे आते हैं उनके पास। मेरा नाम माया देवी है जी। जी क्या कहोगे दीपक शर्मा के बारे में? दीपक शर्मा के बारे में तो जी जितना कहो उतने थोड़ा, कहने का मौका नहीं। इतना बढ़िया काम करा जिसका कोई ठिकाना नहीं। काम एक कद 3-3 बंदिया ने काम करा, पानी का, शिविर का जी, लट्टा का जी, हर का सिपाही,
और दीपक शर्मा जी तो आप कुआड़ी लेके झाड़काटे जी गली में को पक्की करवाई और ये शिवराम भी आप गजाले मारते हैं। मैंने क्या आप एमसी हो नू का नहीं नहीं क्या मैं आम बंदा हूँ तो ऐसा एमसी आना नहीं हम दोनों का ऐसे ऐसा बेटा दोनों के माँ बाप मना जाम कि ऐसा पिता पुत्र का इनका जो योग मिला सभी को मिला जी।